नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन चैनल के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज। जैसे कि आपने देखा पिछले एपिसोड में हमने इंजन, क्लच, गियरबॉक्स, स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक्स के बारे में बात की और आप लोगों का बहुत कमेंट्स भी आए। आज का जो एपिसोड है हम बात करने वाले हैं वो है रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों पहले ये रिडक्शन होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल एनिमेशन वीडियो बनाया, पहले उस वीडियो को देखेंगे आपके स्क्रीन पर। अगर दोस्तों मैं आपको एक बाइक दे दूं, आप और आपके दोस्त दोनों बाइक पे बैठ जाइए और खड़े खड़े बाइक को चालू कीजिए, चौथा गियर लगा दीजिए, आराम से इस बाइक को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, बाइक तुरंत बंद हो जाएगा क्योंकि चौथे गियर में स्पीड है मगर टॉर्क नहीं, ताकत नहीं। फिर से मैं वही बाइक दोनों को दे दूंगा और बताऊंगा कि आप इसमें पहले गियर एंगेज करो और 60 किलोमीटर स्पीड इसको भगा के दिखाओ पहले गियर में। पिकअप तो ले लेगा मगर स्पीड नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि पहले गियर में आपको टॉर्क माने ताकत मिल जाएगा मगर स्पीड उपलब्ध नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कहीं ताकत मिल रही है और कहीं स्पीड मिल रहा है, ठीक है, और कहीं स्पीड मिल रहा है कहीं ताकत मिल रही है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब आपको ताकत मिल रही है तो स्पीड प्राप्त नहीं होता है और जब आपको स्पीड प्राप्त होता है तो ताकत प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपको एक टाइम में या तो ताकत मिल सकता है टॉर्क या तो स्पीड मिल सकता है। तो इसी बात को समझते हुए रिडक्शन को समझेंगे। जैसे कि ट्रैक्टर में क्या आपको 60-80 किलोमीटर स्पीड चाहिए या जमीन को खोदने वाला इंप्लीमेंट को खींचने के लिए ताकत चाहिए। अल्टीमेटली ताकत चाहिए और स्पीड बराबर हो। उसी को देखते हुए रिडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है पूरे ट्रैक्टर में। आज रिडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर कितने प्रकार है, कौन सा रिडक्शन कौन से उपकरण के लिए बहुत फायदेमंद है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमें स्पीड कम करके ताकत को बढ़ाना है तो करते क्या है, छोटा गिरारा बड़ा गिरारा को घुमाएगा। अगर छोटा गिरारा 5 बार घूम रहा है तो बड़ा गिरारा 1 बार घूमेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ताकत बढ़ गया। तो ये ट्रैक्टर में जब हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन टेक्नोलॉजी। अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग रिडक्शन बहुत फायदेमंद होते हैं वो जानने की कोशिश अभी हम करेंगे। पहला जो रिडक्शन टेक्नोलॉजी आता है उसको हम बोलते हैं सिंगल रिडक्शन। सिंगल रिडक्शन होता है क्राउन और पिनियन में। जैसे कि छोटा पिनियन एक बड़ा क्राउन को घुमाता है, पिनियन आमूमन 6 से 7 बार अगर घूमता है तो क्राउन जो है वो 1 बार घूमता है। इसका मतलब 6 गुना स्पीड घट गया और ताकत बढ़ गया। उसी प्रकार से और एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है इनबोर्ड या डबल रिडक्शन, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, क्राउन और पिनियन भी होता है, छोटा होता है, उसके साथ में होता है एक पिनियन और बुल गियर। मतलब 2 बार रिडक्शन हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। पहले रिडक्शन हो रहा है क्राउन पिनियन में, उसके बाद दोबारा रिडक्शन हो रहा है बुल और पिनियन में, छोटा और बड़े गियर में। तो इन ट्रैक्टरों में होता क्या है, अगर बाहर से कुछ भी लोड या झटके व्हील पे आ रहे हैं तो अंदर जो क्राउन पे जाएगा वो 50% ही जाएगा क्योंकि 50% जो शॉक है वो पूरा बुल गियर ले लेता है। उसी प्रकार से तीसरा जो रिडक्शन है उसका नाम है हब रिडक्शन। ये भी इनबोर्ड रिडक्शन जैसे ही रहेगा, एक क्राउन पिनियन रहता है साथ में एक बुल गियर रहता है। मगर इन दोनों में फर्क क्या है, ये जो है हाउसिंग के अंदर रहता है इसलिए इसको इनबोर्ड बोलते हैं, और जो हब रिडक्शन है ये जो व्हील का हब रहता है, एक बड़ा सा हंडी रहता है उसके अंदर ये बुल और पिनियन का अरेंजमेंट किया जाता है। क्योंकि ये हब में स्थित है इसलिए इसको हब रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। और जो चौथा रिडक्शन है वो पूरी इंडस्ट्री में ताकतवर माना जाता है और इसका नाम है EPI। इसके अंदर भी क्राउन और पिनियन होता है, एडिशनली उसके साथ में EPI टेक्नोलॉजी या प्लैनेटरी रिडक्शन टेक्नोलॉजी आता है। ये इंडस्ट्री में ताकतवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीचों बीच एक सन गियर रहता है, चारों तरफ 3 स्टार गियर उसके इर्द गिर्द में घूमते हैं और उन तीनों गियर को जकड़ के रखने के लिए एक
रिंग गियर का मदद लिया जाता है। इसका मतलब चारों तरफ से उसकी पकड़ बनी रहने से स्लिप का चांस ना के बराबर होता है। और ईपीआई टेक्नोलॉजी आमूमन 50 एचपी के ऊपर ट्रैक्टरों में बहुत फायदेमंद होता है। और जो ट्रैक्टर कमर्शियल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं या बड़े से बड़े उपकरण चलाने की सोचते हैं, उनके लिए ईपीआई बहुत फायदेमंद होता है। आइए आने वाले स्लाइड में एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा रिडक्शन फायदेमंद है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला रिडक्शन की अगर बात करें उसका नाम है सिंगल रिडक्शन। तो ट्रैक्टर को अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, गियरबॉक्स में अलग अलग स्पीड आप सिलेक्ट करते हो, गियरबॉक्स के बाद वो जो पावर है आता है पिनियन में, पिनियन 6 से 7 बार घूमता है तो क्राउन व्हील जो है वो 1 बार घूमता है, उसके बाद ताकत जो है डायरेक्टली शाफ्ट से होते हुए व्हील को जाता है दोनों तरफ और ट्रैक्टर आगे बढ़ता है। अगर इस क्राउन व्हील को आप पास से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये है आपका क्राउन और ये है आपका पिनियन। तो इसमें होता क्या है, 6 से 7 बार अगर पिनियन घूम रहा है तो 1 बार क्राउन घूम रहा है, इसका मतलब 6 गुना स्पीड घट गया और ताकत बढ़ गया। मार्केट में सिंगल रिडक्शन को दूसरे एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है स्ट्रेट एक्सल, क्योंकि दोनों तरफ एक्सल एक बार रिडक्शन होने के बाद स्ट्रेट व्हील को ड्राइव जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेट एक्सल के नाम से बुलाते हैं। इसके फायदे की अगर बात करें तो देखिए फ्रिक्शनल लॉसेस कम है, एक ही बार रिडक्शन हो रहा है और ड्राइव डायरेक्ट व्हील को जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल लॉसेस कम है, मतलब पावर लॉसेस जो इंजन में पैदा होता है तो बहुत कम होते हैं इस ट्रैक्टर में, बहुत एफिशिएंट होता है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है और आउटपुट ज्यादा होता है। अगले रिडक्शन की अगर बात करें उसका नाम है इनबोर्ड रिडक्शन। उसी प्रकार से देख सकते हो पिनियन और क्राउन में 1 बार रिडक्शन हो रहा है, उसके तुरंत बाद शाफ्ट को कट किया गया और एक छोटा पिनियन और बड़ा बुल गियर लगाया गया, दोबारा रिडक्शन, उसके बाद शाफ्ट व्हील में जा रहा है और व्हील को ड्राइव जा रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हो एक आपका क्राउन पिनियन हो गया और दूसरा जो है बुल और पिनियन हो गया, दोनों तरफ रहता है राइट साइड और लेफ्ट साइड, 2 सेट लगाए जाते हैं राइट शाफ्ट के लिए और लेफ्ट शाफ्ट के लिए। यह डबल रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसका फायदा जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी व्हील में झटके या लोड आते हैं तो अंदर क्राउन व्हील पे 50% ही जाता है, 50% जो है यह बुल गियर उसको अपने ऊपर ले लेता है, तो इससे आपका क्राउन और पिनियन बहुत सेफ रहता है। ये जो इनबोर्ड रिडक्शन की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो जहां पर वेट एप्लीकेशन है जैसे धान की खेती है, आप वहां केज व्हील चलाना चाहते हो, रोटोवेटर या रोटो पडलर चलाना चाहते हो, तो ये जो रिडक्शन है बहुत फायदेमंद होता है उन एप्लीकेशन में। यही नहीं, ट्रॉली में भी बहुत कारगर रहेगा क्योंकि जो भी झटके या लोड आते हैं बैक से वो सारे ही ये 50% लोड अपने ऊपर लेके अंदर क्राउन व्हील को प्रोटेक्ट करता है और 2 बार रिडक्शन होने से ताकत भी अच्छा मेंटेन करता है व्हील के अंदर। उसके अलावा बाकी खेती के कामों में मैं जैसे कल्टीवेटर, रोटोवेटर, प्लाउ, हल चलाने में भी बहुत कारगर होता है डबल रिडक्शन। अगला जो रिडक्शन है उसका नाम है हब रिडक्शन। हब रिडक्शन की अगर बात करें तो एक बार रिडक्शन यहाँ क्राउन व्हील पिनियन पे हो रहा है और दोबारा रिडक्शन यहाँ व्हील के हब में हो रहा है, यहाँ छोटा गिरारा और बड़ा गिरारा या बुल और पिनियन भी आप बोल सकते हो, इस प्रकार से वो होता है। तो 2 बारी रिडक्शन हो रहा है मगर जो दूसरा रिडक्शन हो रहा है वो व्हील के हब में हो रहा है क्योंकि वो व्हील का हब है, इसलिए इसको हब रिडक्शन के नाम से बुलाते हैं। अगर इसके फायदे की बात करें तो इसका व्हील सेंटर देखिए, पहले क्या होता था ये व्हील सेंटर यहां आता था ये शाफ्ट के बीचों बीच, मगर इसका व्हील सेंटर पीछे की तरफ खिसक गया और इसकी व्हील सेंटर और जो हिचिंग पॉइंट है ये दोनों बहुत पास हो गए, इसका मतलब ट्रैक्टर की जो फ्रंट लिफ्टिंग इस हब रिडक्शन में 40% कम हो गया। तो ये ट्रॉली के काम के लिए बहुत ही कारगर होता है हब रिडक्शन टेक्नोलॉजी। इसलिए देखिए पावर ट्रैक के ALT मॉडल मतलब एंटी लिफ्ट ट्रैक्टर जो पीले रंग का जो ट्रैक्टर देते हैं उस उन सब में हब रिडक्शन दिया गया है जरूरत अनुसार।
अगली रिडक्शन की ओर चलते हैं, उसका नाम है ईपीआई। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पूरे इंडस्ट्री में सबसे ताकतवर रिडक्शन है ईपीआई। ये होता कैसा है? एक आपका क्राउन व्हील पिनियन, उसके अलावा दूसरा जो रिडक्शन होगा वो है ईपीआई, एपिसाइक्लिक रिडक्शन। क्योंकि चारों तरफ से गिरारे इसको पकड़ में रहता है, बहुत सारे दांते कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो कितना भी लोड इसके अंदर आए तो झेलने की क्षमता इसमें ज्यादा होता है। ईपीआई टेक्नोलॉजी उन एप्लीकेशन के लिए होता है जो बहुत हैवी लोड का काम करते हैं, या डबल ट्रॉली का काम करते हैं, या कमर्शियल एप्लीकेशन लोडर डोजर या बैको जैसे काम करते हैं, उसके लिए बहुत ही कारगर होता है ईपीआई टेक्नोलॉजी। मगर हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, छोटे ट्रैक्टरों में ईपीआई कारगर नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे गिरारे घुमाने के लिए इंजन की ताकत बहुत इस्तेमाल होता है, और अगर आप छोटे उपकरण चला रहे हो तो ये फायदेमंद नहीं होता है। जब आप इतना हैवी रिडक्शन इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको उपकरण बड़ा इस्तेमाल करना है, तभी जाके आउटपुट आपका ज्यादा आएगा और लागत कम होगा। तो दोस्तों चलिए ट्रैक्टर लैब के अंदर जाएंगे और ये चारों रिडक्शन टेक्नोलॉजी कट सेक्शन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर के अंदर जो रिडक्शन होता है बैक एंड के अंदर, उस रिडक्शन के बारे में। पूरे ट्रैक्टर की इंडस्ट्री के अंदर चार टाइप के रिडक्शन उपलब्ध होता है। एक है सिंगल रिडक्शन, एक है डबल रिडक्शन या इनबोर्ड रिडक्शन, और तीसरा है हब रिडक्शन, और चौथा है सबसे मजबूत और ताकतवर ईपीआई रिडक्शन। पहला जो रिडक्शन टेक्नोलॉजी है वो सिंगल रिडक्शन है, जो आपके सामने जो दर्शा रहे हैं ये सिंगल रिडक्शन टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर देखिए एक बड़ा सा क्राउन व्हील होता है और एक छोटा सा पिनियन होता है। छह बार जब पिनियन घूमता है तो एक बार ये क्राउन व्हील घूमता है, और इसके अंदर जो दांते हैं इसको बेवल गियर्स भी कहा जाता है। तो ये सिंगल रिडक्शन को इंडस्ट्री के अंदर दूसरे एक नाम से भी बुलाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एक्सल, क्योंकि इसमें जो एक्सल आप देख रहे हो एक सीधा एक्सल है, और ये सीधा एक्सल जुड़ता है डायरेक्टली व्हील को, तो इसलिए इसको स्ट्रेट एक्सल से नाम से भी जाना जाता है। इस स्ट्रेट एक्सल का फायदा यह है कि ये जो भी इंजन पावर पैदा करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस सिंगल रिडक्शन में होता है। दूसरा जो रिडक्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो, और वो है हब रिडक्शन। ये देख सकते हो आपके सामने हब रिडक्शन उपलब्ध है। पहला जो रिडक्शन होता है वो होता है क्राउन में, और ये जो क्राउन दिख रहा है ये छोटा सा क्राउन है, और क्राउन में रिडक्शन होने के बाद ये शाफ्ट में आपको ताकत आएगी रोटेशन, और यहाँ ये हब के अंदर एक और बार रिडक्शन होगी, ये पिनियन है और ये बुल है। तो दूसरा रिडक्शन आपके व्हील के हब के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हब रिडक्शन कहा जाता है। ये हब रिडक्शन का फायदा, पहला फायदा ये है क्योंकि ये बुल और पिनियन हब के अंदर हो रहा है, ये हब डायरेक्ट व्हील पे लोड डाल रहा है, तो व्हील का फ्रिक्शन रोड से ज्यादा रहेगा और खींचने की क्षमता ज्यादा होता है। और दूसरी चीज ये है, इसका व्हील सेंडर पीछे की तरफ खिसक गया तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्टर का जो फ्रंट लिफ्टिंग 40% कम हो गया है। आइए कैसे ये मैं दिखाऊंगा। ये रोड में जो दिखा रहा हूं, अगर ये ट्रैक्टर की हिच पॉइंट बहुत पीछे की तरफ है तो लोड ट्रैक्टर पे जब पड़ता है तो फ्रंट लिफ्टिंग आसानी से होता है। वही चीज जब मैं ट्रैक्टर की हिच पॉइंट आगे की तरफ खिसकाऊंगा और पीछे से जब लोड डालूंगा तो ज्यादा लोड डालना पड़ेगा अगर ट्रैक्टर को आगे से उठाना है, तो इससे हब रिडक्शन में यही हो रहा है, पीछे का जो हिच पॉइंट है वो एकदम आगे की तरफ चले गया और 40% जो है इसकी फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होता है। हब रिडक्शन का नुकसान भी है, अगर आप हब रिडक्शन धान की खेती में या गीले खेत में इस्तेमाल करोगे तो मट्टी फंसने का संभावना ज्यादा रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हब बड़ा होने के कारण व्हील के रिम और इसके बीच में अंतर कम हो गया है और इसके बीच मट्टी जमा हो सकती है। अभी हम बात करेंगे तीसरा जो रिडक्शन है वो है इनबोर्ड रिडक्शन। तो इसमें देखिए, पहला रिडक्शन जो होता है वो होता है यहाँ पिनियन और क्राउन में, क्राउन भी थोड़ा छोटा सा है। इसके बाद दूसरा रिडक्शन जो है यहाँ बुल और पिनियन में होता है, इसके अंदर जो है ऐसा बुल उपलब्ध होता है।
कईयों में स्पर्गर होता है, कईयों में हेलिकल रिडक्शन भी होता है। उसके बाद शाफ्ट जाके व्हील में ताकत जाती है। इसका नाम इनबोर्ड रिडक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो बुल और पिनियन अरेंजमेंट है वो हाउसिंग के अंदर है, बैकएंड हाउसिंग के अंदर है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनबोर्ड रिडक्शन। इंडस्ट्री में इसका दूसरे नाम से भी बुलाते हैं इसको डबल रिडक्शन, क्योंकि एक बार रिडक्शन यहाँ क्राउन पिनियन में होता है और दूसरा बुल पिनियन में होता है। इनबोर्ड रिडक्शन का फायदा यह है कि आप इसको धान की खेती में जहाँ कीचड़ ज़्यादा है वहाँ इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि इसमें रिम और सेंटर एक्सिस में बहुत गैप होता है। और दूसरी चीज़, जो पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में ये इनबोर्ड रिडक्शन जो आता है आपको हैवी ड्यूटी कामों के लिए, जो धान की खेती में जब इस्तेमाल करोगे तो हमने हेलिकल बुल गियर दिया है और इनमें जो है स्पेशल वाटर सीलिंग भी डाले गए हैं। इनबोर्ड रिडक्शन के अंदर हमने दो टेक्नोलॉजी वाला रिडक्शन दिया है, यहाँ देख सकते हो। छोटे ट्रैक्टरों में जब इनबोर्ड रिडक्शन है तो हमने स्पर गियर दिए हैं, जब हैवी ड्यूटी कामों के लिए हमने रिडक्शन दिए हैं, जैसे धान की खेती हो गई या ज़मीन बहुत हार्ड है तो वहाँ हमने हेलिकल बुल गियर दिए हैं। इन दोनों में आप अंतर देख सकते हो। हेलिकल बुल गियर में दांते मोटे हैं स्पर से कंपेयर करते हो, और दांत की चौड़ाई भी जो है आपके हेलिकल में बड़े हैं। दूसरा फायदा यह है कि जब ये पिनियन के साथ जुड़ता है तो कॉन्टैक्ट एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हैवी ड्यूटी कामों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप बाहर ट्रैक्टर के बाहर से जानना चाहोगे कि अंदर आपके जो रिडक्शन स्पर गियर लगे हैं हेलिकल बुल गियर है, तो पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में हमने किया क्या है, ब्रेक पेडल के नीचे जो कास्टिंग होती है वहाँ पर हमने एच करके मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही हथौड़े से मार्क बनाया हुआ है। एच लिखा है तो मतलब उस ट्रैक्टर के अंदर आपको हेलिकल बुल गियर उपलब्ध होते हैं। चौथा जो रिडक्शन है उसको हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक रिडक्शन, जो पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है। आइए उसके बारे में जानकारी देंगे। जो आपके सामने हम दर्शा रहे हैं ये एपिसाइक्लिक रिडक्शन है। पहला जो इसका रिडक्शन होता है यहाँ देख सकते हो, ये क्राउन के अंदर यहाँ अंदर रिडक्शन होता है, छोटा क्राउन होता है। उसके बाद ये ताकत जो है यहाँ आता है सन गियर के अंदर, और ये सन गियर जो है ये तीनों प्लैनेटरी गियर को घुमाता है, और जब ये तीनों प्लैनेटरी गियर घूमते हैं तो योग घूमता है, योग घूमा तो ये शाफ्ट, शाफ्ट घूमा तो ये व्हील घूमेगा। ये इंडस्ट्री का हैवी ड्यूटी रिडक्शन क्यों कहा जाता है, देखिए जब भी ये ट्रैक्टर लोड लेके चल रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर ये 15 टन का कोई ट्रॉली लेके ढलान पे चल रहा है, चलते चलते ट्रैक्टर को रोकना पड़ा एकदम से, तो ट्रैक्टर में OIB ब्रेक है तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी तो ट्रैक्टर तो रुक गया, और पीछे से जो 15 टन का ट्रॉली जो झटका मारता है वो पहले जाता है व्हील में, और व्हील से डायरेक्ट जाता है यहाँ शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट से जाता है क्राउन के अंदर। जब ये EPI उपलब्ध है, जो 100% जो झटका आया है, लोड आया है, ये तीनों प्लेनेटरी गियर में बढ़ जाता है 33%, 33%, 33%। तो अंदर जो लोड जाएगा खाली 33%, और पूरा जो लोड है ये EPI झेल लेता है, इसलिए इसको इंडस्ट्री का सबसे बड़ा या सबसे हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है। मगर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो छोटा किसान है, छोटी खेत है, छोटे उपकरण इस्तेमाल करना चाहेगा छोटे लोड के अंदर, तो EPI उसके लिए नहीं है। EPI उस किसान के लिए है जो बड़े उपकरण इस्तेमाल करना चाहेगा, कमर्शियल काम करना चाहेगा, या बड़े से बड़े ट्रॉली, हैवी ड्यूटी ट्रॉली गन्ना भर के इस्तेमाल, या बहुत सारे ईंटें लेके उबड़ खाबड़ रोड में या ढलान में ले जाना चाहेगा, उनके लिए होता है एपिसाइक्लिक रिडक्शन, क्योंकि इसके अंदर गिरारे ज़्यादा हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस ज़्यादा होते हैं। बड़ा उपकरण लगाओगे तभी ये फायदेमंद होता है। अगर आपके पास पावर ट्रैक ट्रैक्टर है और आप जानना चाहते हो कि मेरे ट्रैक्टर के अंदर हेलिकल बुल गियर है कि नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ आप देख सकते हो ये ब्रेक पेडल है, ब्रेक पेडल के नीचे जहाँ कास्टिंग होता है उस एरिया में हथौड़े से एच करके मैन्युफैक्चरिंग टाइम में लिखा जाता है। अगर वो एज आपको दिख रहा है मतलब आपके ट्रैक्टर में हेलिकल बुल गियर उपलब्ध है। दोस्तों अभी आखिरी टॉपिक की बात करें और वो है रोबस्ट एक्सल। ये रोबस्ट एक्सल होता क्या है पहले ये जाने। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सल यहाँ
यूजुअली गोलाकार में होता है, ये गोलाकार में नहीं है, इसमें चौकोर एक्सल दिया गया है। चौकोर एक्सल के साथ बहुत सारे आई बोल्ट डालने के सुविधा दी गई है, मतलब जब इसके ऊपर फेंडर बैठता है तो या तो आप फेंडर को थोड़ी बाहर खिसका सकते हो या अंदर भी खिसका सकते हो जरूरत अनुसार। यही नहीं, ये स्क्वेयर होने के कारण इसमें जो लोहा है ज्यादा आ गया और मजबूती बढ़ गया, मतलब ज्यादा लोड लेने की क्षमता इसके अंदर है, इसलिए इसको रोबस्ट एक्सल कहा जाता है। यही नहीं, अगर इस ट्रैक्टर के अंदर आप कमर्शियल उपकरण जैसे कि लोडर या डोजर बिठाते हो तो उसकी जो चेसी है वो आके यहाँ बैठता है और उसके ऊपर फेंडर और बोल्ट आप डाल के उसको कसते हो। जब यहाँ उसकी चेसी बैठता है तो ये चौकोर है तो पकड़ बहुत मजबूत बनता है। जब पकड़ मजबूत बनता है तो जितने भी लोड आने दो, जितने भी झटके आने दो, सारे सहने की क्षमता इसमें ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल, हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी और दिखने में भी रोबस्ट लुक। तो दोस्तों आपने पूरे इंडस्ट्री में जो रिडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रैक्टरों में आता है वो जाना है। पहला है सिंगल रिडक्शन, दूसरा है इनबोर्ड या डबल रिडक्शन, तीसरा है हब रिडक्शन और चौथा जो है ईपीआई। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, कौन सा ऐसा कंपनी है जिसके पास चारों रिडक्शन टेक्नोलॉजी अलग अलग ट्रैक्टरों में उपलब्ध है? अगर आप जानना चाहते हो उसका नाम है स्कॉट्स। तो पूरे इंडिया में केवल एक ही कंपनी है जिसके पास चारों रिडक्शन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जरूरत अनुसार एप्लीकेशन अनुसार अलग अलग मॉडल और वेरिएंट में स्कॉट कंपनी अपने फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ब्रांड में देते हैं। तो दोस्तों आज ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर आपने जाना रिडक्शन टेक्नोलॉजी। आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ ही साथ हम इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं और आपके सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि सारे एपिसोड को बिना मिस किए आप देख सकते हो। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड हमारा होगा पीटीओ के ऊपर। तो दोस्तों जुड़े रहिए, इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद।